हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, अगर आप गूगल फोटोज़ के अंदर फ्री अप स्पेस ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं तो ये ऑप्शन किस तरीके से काम करती है और इस ऑप्शन का मतलब क्या है, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे हम हमारी जो गूगल फोटोज़ की सेटिंग वगैरह खोलते हैं, फ्री अप स्पेस लिखा है, तो इसका जो सीधा और सिंपल सा मीनिंग है, जब भी आपका ये स्टोरेज जो है फुल हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है, आप अपना स्टोरेज जो है गूगल फोटोज़ का सिर्फ, ठीक है, आपके फ़ोन का स्टोरेज यहाँ पे फ्री नहीं होगा, जो आपका फ़ोन है उसका ही डेटा या फिर उसका स्पेस जो है आप रिमूव कर सकते हैं। इसके ऊपर टैप कर देना, यहाँ पे देखिए नथिंग टू फ्री अप, मतलब आपके पास अभी बहुत से स्टोरेज है, इसमें अभी आपको कुछ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी गूगल फोटोज़ को ऐसा लगता है कि इनके जो स्टोरेज अब फुल होने को आई है, जो कि आपको 15 GB इसमें मिलता है, तो वो जब कंप्लीट होने को आया होता है तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग आती है और यहाँ से आप जो है अनवांटेड फ़ोटो वगैरह डिलीट कर सकते हैं। आप देखिए 15 GB यूसेड, तो आप मतलब 15 GB यूज़ कर सकते हैं। तो फ्री अप स्पेस का मतलब यही होता है कि आप इसके ज़रिए आप जो है अपने स्पेस को निकाल सकते हैं। ये आप बेसिकली ऑप्शन जो है आपके डुप्लीकेट फ़ोटोज़ को डिलीट कर देगा, वीडियोज़ को डिलीट कर देगा और जो अनवांटेड पिक्चर्स है उसको भी हटा देगा। यहाँ पे अगर आपको जानकारी समझ में आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।